कांग्रेस पार्टी 55 सालों से सत्ता में रही, जानते हैं 55 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, देश 70 सालों से आजाद रहा है। ये कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो 10 सालों में इन्होंने काम किया है, ये कहते हैं कि ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। एक हद तक सच है, कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े सरकारी कारोबार कभी किसी बड़े खरबपति मित्रों को नहीं दिया, जो इन्होंने 10 सालों में काम कर डाला। नाम लीजिए सरकार के, जो देश के जो कोयले के खदान, बड़े बड़े बंदरगाह, हवाई अड्डे, सब कुछ अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से विधायकों को खरीद के सरकारें कभी नहीं गिराई, न कभी करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी 55 सालों के लिए सत्ता में रही, ये लोग हमको भ्रष्ट कहते हैं, ये लोग हमको भ्रष्ट कहते हैं। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई, और न किसी ने प्रयास किया इसे बनाने का। मात्र 10 सालों में भाजपा इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? कैसे बनी, कहां से आए ये पैसे, किसके पैसे हैं? 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ अपनी पार्टी में इन्होंने पिछले 1-2 सालों से खर्चे हैं, और ये मैं नहीं कह रही हूं, एक रिपोर्ट आई है। और भ्रष्ट कहते हैं कांग्रेस पार्टी को, और भगवान के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं। कौन से भगवान उतरकर आपको कहेंगे कि इस पार्टी को वोट दो या उस पार्टी को वोट दो? भगवान तो एक ही बात कहते हैं, सारे संतों ने, सारे महात्माओं ने, सारे भगवानों ने एक ही बात कही कि अपना जीवन सच्चाई और ईमानदारी से जियो, सत्य के पथ पर चलो। तो देव भूमि के मेरे भाइयों और बहनों, पहचान लो जो सत्य के पथ पर चल रहे हैं और जो असत्य के पथ पर चल रहे हैं, उन्हें भी पहचान लो। यहां